हेलो फ्रेंड्स, सेट स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का विविध। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत का विविध का आज एमसीक्यू सेट के द्वारा देखेंगे। और इससे पहले का वीडियो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और जो चैनल पे नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की प्रश्न की ओर। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? आंसर, मुगलों ने। तो मुगलों ने पोलो खेल की प्रचलन की और कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चौगान पोलो खेलने के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई थी। मिलान कीजिए। फिरोज शाह तुगलक, नहरों का निर्माण, पलवन नवरोज त्यौहार है ये, और अलाउद्दीन दीवाने रियासत यानी आर्थिक मामलों का देखभाल, और जहांगीर सर थॉमस रो। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में 5 बड़े नहरों का निर्माण हुआ था और नवरोज त्यौहार है एक, पलवन के समय में दिल्ली दरबार में प्रचलित हुआ, और ये दीवाने रियासत है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और जहांगीर के समय में ये सर थॉमस रो हैं, ये मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत आए थे। निम्न यात्रियों के पधारने के क्या अनुक्रम रहा? तो इसे सनवाइज, तो पहले इसमें अलबरूनी होगा, ये 1000 ईस्वी में भारत की, और उसके बाद इब्ने बतूता, ये 1333, और ट्रेनेरियर, ये 1638, और लास्ट में मनुची 1653। तो अलबरूनी जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे, उस समय वो वहाँ का खीवा वंश का अंतिम शासक के दरबार में रहते थे, और इब्ने बतूता 1333 ईस्वी में भारत आए थे, और यह मोरक्को अफ्रीकी यात्री के थे और अफ्रीका के थे, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 51 है। तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें काजी नियुक्त किया था, और फिर इनको 1342 में दूत बनाकर चीन भेजा था इनको। और टेवनेरियर, यह 1638 में भारत आए थे, और किनके? शाहजहाँ के काल में, शाहजहाँ के काल में। और ये पेशे से एक जोहरी थे, और इन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की थी, और इनकी एक किताब भी है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया। और मनुची ये जो थे 1653 में आए, और यह वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत में आए थे, और ये दारा सिको के सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की इन्होंने, और बाद में यह चिकित्सक का पेशा अपना लिया। इनका जो संस्करण है वो है स्टोरी द मोगोर, जिसे 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कहा जाता था, स्टोरियो द मोगोर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इब्ने बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रजाक तुर्की, नूनिज पुर्तगाल। तो इसमें सी जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इब्ने बतूता मोरक्को के हैं, इसका व्याख्या हम लोग कर लिए हैं। तो मार्को पोलो इटली, तो मार्को पोलो जो थे वो वेनिस इटली के प्रसिद्ध यात्री थे। यह पांडे शासक वर्मन कुलशेखर के समय में भारत आए थे, और ये वर्मन कुलशेखर का शासनकाल है 1267 से 1310, और इन ईरानी राजदूत ये अब्दुल रजाक थे, ईरानी थे, और इन्होंने देवराय द्वितीय के
शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, देवराय द्वितीय। और देवराय द्वितीय का शासनकाल है 1442 से 46। तो ये एक अंत में नूनिज जो हैं पुर्तगाली यात्री थे, यह एक अश्व व्यापारी थे और विजयनगर राज्य में यात्रा की थी। दस्तान बंदान कौन कहलाते थे? दस्तान बंदान, आंसर डी उलेमा। तो सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्ति को उलेमा कहा जाता था, और इसे दस्तार बंदान, यानी दस्तार बंदान का मतलब होता है पगड़ी पहनने वाला, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। तो यही दस्तान बंदान है जो सिर पर पगड़ी पहनने वाले को कहा जाता था। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? चुंबकीय दिशा सूचक, आंसर सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने चुंबकीय दिशा सूचक को भारतीय महासागरों में प्रयोग का प्रारंभिक सूचना दी थी 1232 से 1233 में। और सदरुद्दीन औफी जो हैं वो, उनकी एक पुस्तक है लुबाबुल और तथा जवामी उल हयात पुस्तक में ही उन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। निम्नलिखित व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उनके राज से सही कलाक्रम के नीचे दिए गए कूट को सही सहायता से चुनिए। तो इसमें पहले होगा राजिया सुल्तान। तो राजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240, और अलाउद्दीन खिलजी का तो 1296 से 1316, और अकबर का, तो अकबर का नहीं, उसके बाद शेर शाह का होगा, अकबर बाद में होंगे, तो शेर शाह का 1540 से 1545, उसके बाद अकबर का शासनकाल होगा जो कि 1556 से 1605 है। तो पहले राजा सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह, उसके बाद अकबर। तो इसे मिलान नहीं करना है और इसे बताना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो बाद बहादुर, गुजरात, चांद बीबी, अवध सुल्तान, राजा सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा। तो इसमें बताना है कौन सा एक गलत है। आंसर जो है बी चांद बीबी अवध गलत है, बाकी बहादुर शाह गुजरात के शासक थे और राजा सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा और चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर की शासिका थी, और यह हुसैन निजाम की प्रथम पुत्री भी थी जिनका संबंध अवध राज से नहीं था बल्कि अहमदनगर व बीजापुर का था, जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से है और राजा सुल्तान का संबंध दिल्ली, बाज बहादुर का संबंध मालवा से है। तो बी गलत होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो वही, इसे भी उसी तरह सजाना है। तो पहले कुतुब मीनार का निर्माण। तो कुतुब मीनार की निर्माण 1210 में हुआ था, और उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हुआ था, और उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन तो 1498 वास्को डी गामा, और उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेव का शासनकाल तो 1509 से 1529 तक कृष्णदेव का शासनकाल है। तो
इसे सजाना था, तो हम लोग देख लें तो पहले ए होगा और उसके बाद डी होगा और उसके बाद सी और देन लास्ट में ए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी वही करना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले जो होगा वो होगा डी, ताराइन का द्वितीय युद्ध। तो ये 1192 में हुआ था और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान। और उसके बाद होगा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तो ये 1296 में हुई थी। और उसके बाद अफगान पडयंत्र होगा, ये 1325। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 के बीच ये राजधानी का स्थानांतरण किया गया था, वही दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले गया गया था। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध की विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका विवरण ऊपर में अवतरण है? तो ये कौन था? मेगास्थनीज, फहियान, मार्को पोलो, इब्ने बतूता। तो आंसर इब्ने बतूता होगा। तो इब्ने बतूता 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में पूर्वी गोलार्ध को विस्तृत भूभाग की यात्रा की थी, जहां अब 44 देश है, 73,000 मील की दूरी चलकर पार की थी। और ये जो मार्को पोलो हैं, तो मार्को पोलो ने 24 वर्षों तक लगभग 44,000 मील की दूरी तय की थी। नीचे में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं का नाम है और दूसरी ओर उनकी वीर चित्र ग्रंथ है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? आंसर बी, महेंद्र वर्मन मत विलास परमहंस। तो कृष्णदेव राय अमुत मालेयद। तो इसे हम लोग दूसरी तरफ मिलान करके सभी को समझ लेते हैं। तो कृष्णदेव राय अमुत मालेयद और भोजदेव सम्रांगण सूत्रधार और सोमेश्वर मानसुलास। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो आंसर खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320। इन्होंने केवल 20 वर्षों का ही शासन किया। और तुगलक वंश, तो तुगलक वंश का शासन था 1320 से 1414। और उसके बाद सैयद वंश, तो सैयद वंश का 1414 से 1450। और इसके बाद 1451 से 1526 तक लोदी वंश। और 1290 से पहले तो 1206 से जो स्टार्ट हुआ है वो गुलाम वंश है। आईने उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश। आंसर डी, इल्तुतमिश। तो आइनुल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आइने मुल्क को मुल्तानी को मध्य भारत भेजा, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की और अपने अंतिम दिनों में यह दक्षिण विजय में व्यस्त रहा। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, इनमें से किसी का नहीं। आंसर सी, जौहर प्रथा। तो जौहर प्रथा जो है वो राजपूतों द्वारा शुरुआत की गई, स्त्रियों द्वारा, जो कि जब भारत में मुस्लिम आक्रमण कर रहे थे तो
जो स्त्रियां हैं वो सामूहिक रूप से चीता में कूदकर अपनी जान दे देती थी, और सती प्रथा जो है वो और सती प्रथा और बाल विवाह ये भी राजपूतों के समय में ही बढ़ी, लेकिन यह प्रथा पुराने समय से पहले से चली आ रही है। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था आंसर बी हेमचंद्र सूरी। तो हेमचंद्र सूरी जो है वो मध्यकालीन विद्वान और लेखकों में जैन धर्म के अनुयायी थे, और ये जय सिंह सिद्धराज के दरबार में सुशोभित थे, और उसे प्रभावित होकर जय सिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था जिसमें जैन तीर्थकों की मूर्तियां स्थापित की थी। मिलान कीजिए, आंसर प्लासी का युद्ध 1757 ईसा पूर्व, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, हल्दी घाटी 1576 और तैरान का युद्ध 1192। तो 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध, तो इसका डेट 23 जून है, 23 जून 1757 को हुआ था 23 जून, क्योंकि ये एक एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, और नवाब के सेना में राजद्रोही थे जो मीर जाफर और यार लतीफ राय दुर्लभ, इन्होंने विश्वघात कर दिया, इसी कारण ये हार गए थे। और कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे तथा 50,000 से बंदी बनाए गए थे। और इसी युद्ध के पश्चात तो अशोक जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया, और ये कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। और हल्दी घाटी का युद्ध तो 1576 में मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था जिसमें अकबर की विजय हासिल हुई थी। तैरान का युद्ध तो ये द्वितीय है 1192, तो द्वितीय युद्ध है, तो ये पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण उसकी जीत हुई थी और प्रथम में हार हुई थी। तो मिलान कीजिए, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी, सड़के आजम, ये चहलगामी होगा, चहलगामी। तो और आईने दहसाला प्रतीक मुद्रा, तो अकबर आईने दहसाला, मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा वही संकेतिक, और इल्तुतमिश चहलगानी, और शेरशाह सूरी सड़के आजम। तो शेरशाह द्वारा निर्मित जो था वो सड़के था, जिसे सड़के आजम जो कहा जाता था वो लाहौर से लेकर सोनार गांव बंगाल तक जाती थी, ये सबसे लंबी थी। और प्रतीक जो मुद्रा है वो मोहम्मद तुगलक ने जारी की थी, और आईने दहसाला जो पद्धति थी वो अकबर का भू राजस्व से संबंधित था, और इल्तुतमिश तुर्के चहलगानी दल की गठन की थी। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, किस चीज़ का, गेहूं, जौ, चना, मक्का, तो आंसर डी, तो उस समय मक्का की खेती नहीं होती थी। तो 13वीं 14वीं शताब्दी में जो वो भारत की अधिकांश जो जनसंख्या थी वो कृषक ही थी, और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था यहाँ थी, और उपज बहुत अधिक होता था, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोई जाती है आज की तरह ही। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूं, जौ, चावल, कपास, चना आदि की खेती करते थे, परंतु मक्के का खेती नहीं करते थे। और इब्ने बतूता के अनुसार किसान साल में 3 फसलें काटती थी, कौन, तो धान, गेहूं, ई कपास, खेती बड़े पैमाने पर होती थी। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उपजाए जाते थे। तो मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पद नाम किन के लिए प्रयुक्त होता था? सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया और वैदिक क्रमकांड विशेषज्ञ, शिल्पी श्रेणी प्रमुख। तो मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल, तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपको भी एक प्रश्न दिया जाए।
तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि महत्तर और पटकिल पद नाम किनके लिए प्रयुक्त होता था। तो ये अंतिम प्रश्न था। तो अगला पार्ट जो है हम लोगों का वो रहेगा उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, तो जिसमें हम लोग जौनपुर, बहमनी, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गुलकुंडा, बीदर, ये सब के हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।